जय श्री राम, जय महाकाली, जय शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। दोस्तों, मैं निशांत शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंद, सबसे पहले मैं फेसबुक, सोशल मीडिया पर मेरे साथ जुड़े हुए पूरे विश्व भर के सनातनी भाइयों को तहे दिल से जय श्री राम कहता हूँ। दोस्तों, आज का पूरा दिन और बीती रात एक सच्चे हिंदुस्तानी को, सच्चे देश प्रेमी को या सच्चे देश भक्त को, सनातन धर्मी को, उसके लिए बहुत बुरा दिन है। बीती रात गुजरात से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जो कुछ श्रद्धालु बस नंबर GJ092996776 पर गए हुए थे, जिस बस के ऊपर दरिंदे पाकिस्तान के टुकड़ों पर पड़ने वाले आतंकवादियों ने हमला किया, निहत्ते निर्दोष श्रद्धालुओं को शहीद किया, और बड़े ही दुख की बात है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर बोरा कह रहे हैं ये बस अपनी कानवाई से लग थी। दोस्तों, सभी को पता है जब श्रद्धालु माथा टेककर वापस आते हैं तो कानवाई में सारी बसें साथ में होती हैं, आगे सुरक्षा होती है, पीछे सुरक्षा होती है। ये सारी की सारी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए श्राइन बोर्ड स्टेटमेंट्स दे रहा है, झूठी अफवाहें फैला रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो 25 करोड़ हमारे देश में मुस्लिम है और शाही इमाम के जो मुखी हैं, बात बात में वो फतवा काटते हैं, क्या वो फतवा श्री अमरनाथ यात्रा पर होने वाले हमलों के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निकालेंगे? आज पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हुए, जगह जगह जिस प्रकार से कोई अपना दुख प्रकट कर सकता था, अपना रोष प्रकट कर सकता करता था, परंतु बड़े दुख की बात है एक दो जगहों को छोड़कर कहीं भी मुस्लिम समाज ने दो शब्द नहीं कहे कि हमारे देश के श्रद्धालुओं के साथ हमारे देश में ही क्या हाल हो रहा है। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा अपने देश में इस प्रकार से की जाती है जैसे विदेश में हो रही हो, और पहले परमिशन लेनी पड़ती है, जो चीज 10 रुपए की मिलती है वहां 500 रुपए की खरीदनी पड़ती है, जो हमारे लोग भंडारे लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, उनको कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती है, महंगा साजो सामान मिलता है, टैक्स देना पड़ता है। मैं मांग करता हूं जो भी सनातनी भाई श्री अमरनाथ यात्रा में जाते हैं, आमतौर पर पथराव भी होता है, जो पथराव करने वाले 25, 30, 50 होते हैं,
और यात्रा जो एक बार जो एक रोड में निकलती है वो कम से कम 2000 श्रद्धालु होते हैं। अगर एक एक पत्थर इन कुत्तों को मारे तो इनकी होश ठिकाने आ जाए, और नहीं तो 2 साल के लिए बंद कर दे श्री अमरनाथ यात्रा, फिर देखना ये कुत्ते कैसे भूखे मरते हैं। मैं तो ये भी विनती करूंगा कि जो लोग माता वैष्णो देवी जाते हैं वो कश्मीरियों से 10 रुपए का सामान न खरीदे, फिर इन्हें पता चले कि क्या हाल बीतती है। मैं मोदी जी जो कि 56 इंच के सीने की बात करते रहते हैं हर वक्त, उनको भी कहूंगा सेना को खुली छूट दो इन कुत्तों को शरेआम गोली मारने की, तुरंत गोली मारने के आदेश दिए जाए, और मरने के बाद जो इनके शव है इनके शवों को इनके परिवारिक जन को ना दिया जाए, कूड़े के ढेर में जलाया जाए, गंद के ढेर में जलाया जाए, ताकि पता चल सके जो ये कहते हैं कि हमें मुक्ति मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, इनको इनका हश्र पता चले। आज शिवसेना हिंद ने हमारे 22 चेयरमैन पंजाब संदीप वर्मा जी रामपुरा फूल से रात को मोर्चे पर डट के थे, प्रदर्शन किया। लुधियाना में हमारे राष्ट्रीय महासचिव रोहित सानी जी, पंजाब प्रमुख सौरभ रोड़ा जी ने, पंजाब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संदीप वर्मा जी ने प्रदर्शन किया। मोगा में राष्ट्रीय यूथ प्रमुख राहुल जी ने प्रदर्शन किया। खन्ना में राष्ट्रीय उप प्रमुख और चेयरमैन कोर कमेटी बैद अमरजीत शर्मा जी ने प्रदर्शन किया। समाना में हमारे पंजाब के महामंत्री अश्विनी अरोड़ा जी ने प्रदर्शन किया। जलंधर में पंजाब यूथ के हमारे शिवसेना के अध्यक्ष ईशान शर्मा जी ने प्रदर्शन किया। पठानकोट में बिन्नी महाजन जी ने, गुरदासपुर में प्रदीप शर्मा जी ने, हिमाचल में रमेश कालिया जी ने, हरियाणा में कमल धीमान जी ने, मोहाली में बहन आशा कालिया जी, रजिंदर धारीवाल जी, कीरत सिंह जी, ज्ञान जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी जी ने किया। कल हमने अपनी शिवसेना हिंद की कोर कमेटी की एक मीटिंग भी बुलाई है, और इसी के साथ हम ये भी मांग करते हैं कि जो जो वहां शहीद हुए हैं उनको केंद्र सरकार 1-1 करोड़ रुपए और नौकरी दे, और जो कश्मीर से भारत में पूरे, चाहे कोई चादरें बेचने आता है, चाहे कोई ड्राई फ्रूट बेचने आता है, या पाकिस्तान से जो बड़े बड़े पत्रकारों के डेलीगेशन आते हैं, एडवोकेट्स के डेलीगेशन आते हैं, एग्जीबिशन में भाग लेने आते हैं, कलाकार आते हैं, उन कुत्तों को भी चेतावनी है यहां गलती से मत बढ़ जाना, क्योंकि तुम लोग हमारे भारत देश के प्रति कभी सच्ची दिल से प्यार नहीं कर सकते, तुम लोगों के दिलों में नफरत भरी हुई है। आईएसआई के कुत्तों में, आईएसआई के टुकड़ों में पड़ने वाले हमें सईद, तुझे भी सीधा चैलेंज है, सुधर जा, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। शिवसेना हिंद पंजाब भर के जितने भी धार्मिक संगठन हैं जिन्होंने 14 तारीख को पंजाब बंद की कॉल की है उसे अपना समर्थन करती है, और दोबारा से मैं सभी भारतवर्षियों को एक बेनती करूंगा, किसी भी हालात में अगर दोबारा अब हमला हुआ तो जो जम्मू कश्मीर की बसें यहां आती हैं वो भी सुरक्षित रही जाएंगी, और जो भारत पाकिस्तान की बस जाती है वो भी रोकी जाएगी, क्योंकि हमारे ही धार्मिक यात्राओं में हमले होते हैं, कभी हम हज यात्रा में जाते वक्त किसी पे हमला नहीं होता है, वहां उनको जाने के लिए सब्सिडी दी जाती है और हमें टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स दे के भी गोली खानी पड़ती है।
मुसलमान भी हैं, वो भी खुल के इनके खिलाफ, इन कुत्तों के खिलाफ, इन आतंकवादियों के खिलाफ खुल के सामने आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अमित रोड़ा जी, अमरजीत जी, रजिंदर धारीवाल जी, अमरजीत शर्मा जी, अमित रोड़ा जी, यशपाल राणा जी, सरबजीत कौर जी, सभी को जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, और 14 तारीख को समूह जो धार्मिक संगठनों ने बंद की कॉल की है, उसे बंद पंजाब बंद की पूरी अपनी आगे से आगे शेयर करें, ताकि पूरे विश्व में पता चल सके कि सनातनी शांत होते हैं, पर इतने भी शांत नहीं कोई कोई उनका नुकसान कर जाए, चुप बैठ जाए। जय श्री राम, जय महाकाल।